वेलकम क्लास फिफ्थ सरीना पब्लिक स्कूल। हमारा साइंस में चैप्टर फिफ्थ गुड हेल्थ चल रहा है। कल हमने कुछ न्यूट्रिएंट के बारे में बोल दिया था, ज़्यादा देर हो गई थी। आज हम अपना नाइन्थ लेक्चर शुरू करेंगे डिजीज से, बीमारी से। हमने शायद पहले भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, डिस इज, यानी जिसमें कंफर्ट ना हो। बॉडी का कोई आर्गन या बॉडी पूरी एज ए होल अगर नॉर्मल वर्क नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि द इंडिविजुअल और द पर्सन इज इन द कंडीशन ऑफ डिजीज, सिक है वो, बीमार है। वैसे हमने बीमारी और हेल्थ की कुछ बातें आपको पहले ही बताई थी, आज एक बार और बता देते हैं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ या हेल्दी किसको कहते हैं। तो हेल्दी के लिए एक डेफिनेशन है साइंस में कि अगर कोई शख्स जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और सोशली सोसाइटी में ठीक है, बिल्कुल ठीक है तीनों मायनों में, तो हम उसको कहेंगे कि वो हेल्दी है। इसमें से कोई एक फैक्टर भी अगर गलत है तो फिर वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। जैसे सोसाइटी में इफ ए पर्सन इज नॉट लाइक बाय द सोसाइटी, मान लीजिए चोर है, वो बहुत अच्छी तंदुरुस्ती है, जैसे जिस्म बहुत अच्छा है, दिमाग भी बहुत तेज चलता है, लेकिन चोर है तो वो हेल्दी नहीं है। या जहनी तौर पर कोई बहुत परेशान है, बहुत हेल्दी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका जहन सही से काम नहीं करता तो भी वो हेल्दी नहीं है। जबकि डिजीज का मतलब है कि बॉडी एज ए होल या बॉडी का कोई भी आर्गन नॉर्मल फंक्शन ना कर रहा हो, ऐसी कंडीशन को डिजीज कहती है। अब डिजीज में हमको हमारी बुक कहती है कि ये दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैं यहां लिखे देता हूं बोर्ड पर, डिजीज जो एक पर्सन से, बीमार आदमी से किसी तंदुरुस्त आदमी पर पहुंच जाए या पहुंचने की सलाहियत रखती हो, ऐसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जो बीच में टाइनी ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो इसको पैदा करने के लिए रोल प्ले करती हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जर्म्स कहते हैं। तो एक शख्स से दूसरे शख्स में अगर बीमारी पहुंच रही है तो फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज है। और जर्म्स जो इसको लेकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हैं वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स जर्म्स कहलाते हैं। और ये जर्म्स की भी एक कैटेगरी हमारी बुक में दी हुई है, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं और ये वायरसेस हो सकते हैं। वायरस जो है बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया कुछ इनसे बड़े हैं। हमने एक फाइलम पढ़ा था, फाइलम प्रोटिस्टा, और फाइलम प्रोटिस्टा इज एंटायरली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको बताया था। दूसरी कैटेगरी वायरसेस की है और तीसरी कैटेगरी प्रोटोजोआ की है।
प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। हम जब इनवर्टिब्रेट का जिक्र करते हैं तो इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले जो सब ग्रुप आता है, जो फाइलम आता है, वो है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद आता है प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस के बाद आता है निमेटहेलमिंथस, निमेटहेलमिंथस के बाद आता है फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम आता है मोलस्का, और लास्ट में लास्ट नाइन्थ फाइलम जो इनवर्टिब्रेट का है वो है इकाइनोडर्मेटा। अब मैं इसकी एक एक आपको एग्जाम्पल भी बता दूं। प्रोटोजोआ में हमने नाम सुना है अमीबा प्रोटियस, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पोरीफेरा जितने भी पोर्स वाले स्पंजेस हैं जो समुद्री जीव हैं, समुद्र की किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, चलते फिरते नहीं। उसके बाद सीलेंट्रेटा में वो सब आते हैं जिनके अंदर कुछ बॉडी कैविटी का जिक्र आता है और ये सीलेंट्रेट कहलाते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। फ्लैट वर्म्स में टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनेटा ये सब शामिल हैं। उसके बाद निमेटहेलमिंथस में राउंडेड वर्म्स आते हैं, इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस है, इसमें एंड्रोबियस वर्मिकुलरिस है और बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है एनिलिडा, बॉडी सेगमेंटेड होती है और ये सेगमेंटेड बॉडी आपने देखा होगा आपके आसपास एक एनिमल इस का पाया जाता है एनिलिडा का, और वो है फेरिटिमा पोस्टिमा या अर्थवर्म। और एक और बहुत मशहूर है जिसका नाम आपने सुना होगा जोंक या लीच, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। उसके बाद आता है नाम आर्थ्रोपोडा, ज्वाइंटेड लेग वाले, इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब शामिल हैं। इंसेक्ट्स शामिल हैं एरेकनिड्स, स्कॉर्पियन वगैरह शामिल हैं, क्रस्टेशिया, क्रैब्स, प्रॉन फिश शामिल है। तो ये एक बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, और फिर इसके सब ग्रुप है चार। उसके बाद आता है जो आठवें नंबर पर है वो है मोलस्का। ये खुद तो बहुत मुलायम होते हैं लेकिन अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत सख्त शेल बना के रखते हैं। आपने स्नेल देखा होगा घूमते हुए अपने कॉलेज के कॉरिडोर में, अपनी पीठ पर एक शेल लादे रहता है। कुछ कुछ बगैर शेल के भी चलते हैं लेकिन ये शेल बनाकर उसमें अपने आप को रख लेता है, महफूज समझता है। तो ये मोलस्क हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है इकाइनोडर्म्स, इसकी एग्जाम्पल आपने देखी होगी, आपको पहचान भी होगी, वो है स्टारफिश, सी अर्चिन्स हैं और सी कोकम्बर्स हैं, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। बहरहाल हमने ये इसलिए बताया कि प्रोटोजोआ का हम जिक्र कर रहे थे, तो बैक्टीरिया हो गए ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाले, वायरसेस हो गए कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाले, और प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये प्रोटोजोआ में है। तो जो बैक्टीरिया है इनसे जो बीमारियां फैलती हैं, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, ये सब इनसे, कॉलरा है, ये सब इनसे फैलती हैं बीमारियां। वायरसेस का तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे, कोरोना वायरस आजकल बहुत मशहूर है, लेकिन ये अगर इससे पहले इसके बारे में जिक्र होता तो हम कहते नज़ला जुकाम, फ्लू, कोल्ड फैलाने वाले वायरसेस, और भी बहुत सारे वायरसेस हैं। जैसे एक वायरस को तकरीबन इरिडिकेट कर दिया गया है, वो है पोलियो वायरस। तो ये इस तरह से बहुत सारे वायरसेस को पर जीत भी हो गई है इंसान की, लेकिन कुछ वायरसेस अभी अपने शबाब पर हैं, जैसे कोरोना वायरस। इंशाल्लाह इसकी भी हार हो जाएगी एक दिन, क्योंकि इंसान को अल्लाह मियां ने बहुत ज़्यादा ताकत देकर उसको अशरफ बनाया है, उसकी जीत इस कोरोना वायरस पर तय है, वो इससे जीत लेगा।
और इसको ख़त्म कर देगा या इसको नाकारा बना देगा इंशाल्लाह। और उसके बाद प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में आपने देखा होगा अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि भाई मलेरिया हो गया, तो मलेरिया फैलाने वाला जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये मच्छरों के पेट में ही रहता है और ये पहुंचता है किसी बीमार आदमी से, यानी जब कोई मच्छर फीमेल एनोफिलीज किसी इंसान का खून चूसने के लिए अपना प्रोबोसिस उसकी स्किन में चुभोती है तो ब्लड उसमें जाना शुरू हो जाता है उसकी बॉडी में मॉस्किटो की। और अगर वो मलेरिया का मरीज है तो मलेरिया फैलाने वाले जो एजेंट्स हैं, जो जर्म्स हैं, वो भी मॉस्किटो की बॉडी में पहुंच जाते हैं। और जब ये मॉस्किटो किसी तंदुरुस्त आदमी को खून चूसने के लिए काटती है तो ये जर्म्स या ये पॉजिटिव एजेंट्स इन्फेक्टिव स्टेजेस उसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और वहां डेवलप करके उसमें बीमारी पैदा करते हैं, उसी को कहते हैं मलेरियल फीवर। तो ये एक तरीके से देखा आपने किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच रहे हैं। तो इनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।